प्रदेश में भाजपा को मिली हार पर पहले भाजपा के नेता और अब उसके सहयोगी ही भाजपा पर उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के लोगों ने ही हमारा साथ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने एक निजी चैनल पर बड़ा दावा किया है। अपने बेटे प्रवीण निषाद की हार पर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। हम अपने बूथ जीत गए लेकिन बाकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी जिन्होंने ठीक काम नहीं किया। निषाद ने कहा कि मेरे बेटे को टिकट मोदी जी ने दिया लेकिन यूपी में लोगों को ये पसंद नहीं आया, वो अपना टिकट चाहते थे। बीजेपी के नेताओं की आंतरिक राजनीति की वजह से यूपी में नतीजे अच्छे नहीं आए, साथ ही अति उत्साहित होने की वजह से भी नतीजे खराब हुए हैं। निषाद के मुताबिक हम लोग अपनी बात जनता को समझा नहीं पाए और विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया उसका नुकसान हमें हुआ। संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। प्रवीण को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें कुल मिलाकर 4,06,525 वोट हासिल हुए। वहीं उनको मात देने वाली लक्ष्मीकांत निषाद को 4,98,695 वोट हासिल हुए। लक्ष्मीकांत निषाद समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर चुनावी जंग लड़ रहे थे। उन्होंने संजय निषाद के बेटे को 92,170 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के नदीम अशरफ को 1,50,812 वोट मिले। नदीम तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण कुमार निषाद को भाजपा ही के टिकट पर जीत मिली थी। तब निषाद को 4% वोट मिला था। निषाद 4,67,543 वोट लाने में सफल रहे थे। तब इस सीट पर सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बसपा के हिस्से सीट आई थी। बसपा ने भीष्म शंकर तिवारी को प्रत्याशी बनाया था जो 4,31,794 वोट हासिल कर पाए थे। प्रवीण निषाद इसके पहले सपा से 2017 के उपचुनाव में गोरखपुर से चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पाला बदला और वो भाजपा में आ गए थे।